खुश रखे आबाद रखे जो दुख तकलीफ अल्लाह पाक कदे दूर करे जिंदगी खुशियां ही खुशियां भरते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है अगर तुम साडा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जरा बैल का बटन भी प्रेस कर लो ताकि साड़ी आने वाली हर वीडियो उपर वक्त मिल सके। अच्छा जी, मैं पका रही हूं रोटियां। यह समान मैं मंगाया सुबह शाम को और इन्होंने लगी भुख। इन्होंने पहले प्लेट लिया के देव समान पास स्वाद मंगाए थे दो दिन असं खाते से फिर एक सामू तो मैं फिर अगले दिन कैसे मैं स्वाद में लैके आयो क्योंकि सबने बड़े शौक न खाते है। खाओ तुम तो कैचअप भी नाल मैं रोटियां पका रही हूँ तो तुम खा लो, मैं पानी दे देवा नाल तुम। मैं बाद च खाऊंगी, मैं किथे पेड़े, मैं पहले भाइयों की रोटी पकाना। वीरे भाई आसम की भी रोटी लेके जानी है? नहीं वीरे, उन्होंने मैं ले आती हां जी, फिर ले लो। मैं तो मैं ते आटा गुन्नया सी वीरे दा, बस कौन ही उन्होंने मैं दे आया रोटी। चलो ठीक है हां जी। अच्छा गरम गरम तवे ते मैं जेड़ा ना बर्गर गर्म कर लैनी हूँ। तो सब हूँ बर्गर नहीं खाता, सिर्फ शवारमा दो खाते हैं मेरा, एक शवारमा तो बर्गर। रोटी मैं चौधरी साहब हूँ कहते नहीं खानी, इस करके मैं अपने वास्ते भी नहीं पकई, बस भाइयों वास्ते 15-16 रोटियां पकाई, चार भाई है बस उन्होंने वास्ते पकाइया। बस ऐ थोड़ा गर्म हो जाए फिर खानी हूँ। तो रोटियां जड़ियाँ ना मैं प्लेट पाव सालन तो भाइयों ने भेजा, आप रोटी मैं बाद खाऊंगी। चूल्हा बंद कर दिता मेरे सीट पर पे रहने वाले भाइयों रोटी दे दवा तो फिर जो ना करती हूँ चार प्लेटा थाल च रख के दे दूंगी। काम करते भाई इस करके मैं जेड़ा ना सालन काफ़ी ज़्यादा दूँ। भाई आसफ की रोटी भी मैं आटा गुन्या सी, सालन भी पकाया सी, ज़्यादा ही सालन पकाया सी। मैं क्या सी बजूज में कैसी मैं भी खानी, वह भी शवार में बर्गर खाया ही है। भाई आसफ ने भी रोटी लियाती, पता नहीं उन्हें की लिया के दिता रोटी या कोई चीज़ बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ को लिया के दी है, कोई पता नहीं है। मैनू वीरा आया सी समान जोड़ा मैं मंगवाया सी वह दे के वीरा चलिया गया वा। चलो जी चार प्लेटा सालन दियाँ। ऑयल पहले इन्ना कम सी फिर मैं थोड़ा जहा पाता तो हूँ ज़्यादा हो गया। चलो कोई नहीं खैर सला वा। चलो जी तैयार कर दिता मैं सालन तो हम जज सब नहीं लै जाते तो मैं जरा ना बर्गर खानी है। पहले मैं आटे वाले हाथ धो के आवा। रोटी तैयार है, पता नहीं हले भाइयों ने खानी नहीं है, पूछ लेंदी नहीं तो ढक दिनी हाँ। पानी का गिलास मैं लैके आई, जग चौधरी साहब नहीं लैके आ तो हूँ मैं शवार में गरमा गर्म बर्गर आकड़ की एक सैट पई पई। अच्छा शवारमा चटनी दोनों चुल्हिया तो मैं रोटी पकई छे छे थी ए जी है ना सब किताब है। मैं छापर पाव छापे रोटी चौधरी साहब नहीं लै गए टिशू पे रहे तो फिर इन्होंने मैं सारे छापर डस्टबिन भर के या बाहर सुट के आनी हाँ तो अग आप लगा देंगे। प्याज का फेवरेट बर्गर वही प्याज का शवारमे ना जरा ना जोड़ बहुत घट्ट आटा मैं ज़्यादा गुनिया से इस करके जरा ना उपर पिया वा आटा शामी भी पक जाना साढ़ा। हूँ तो असी रोटी अपनी पकाई नहीं ना हैगी, नहीं तो हूँ कोई तीन चार रोटियां पकनिया सी अपनिया भी बेया सब दियाँ भी कोई चार पाँच पकनिया से कोई दो बाई शाह दियाँ कोई दो बाई जुजमा दियाँ खत्म हो जाना सी तो इस करके उन्होंने खा ली है। इस करके मैं जरा ना फिर मैं क्या आटा शामी भी सर्दियाँ नहीं खराब हों बाहर पे ही खराब नहीं हों अच्छा जी शवारमा में खा लिया बर्गर जड़ा नहीं खादा गया रख लैनी है थोड़ी देर न खा लूँगी। सालन शाम जोगा बच गया वा, सुबह जोगा नाश्ते भी आ जाना वा।
यह चटनी पुदीने वाली बड़ी सोहनी है, मैं छापर जी ने बाहर सुट के आनी हाँ। अच्छा जी सेब माशाल्लाह, मैं कैसे भी टेंट सोने सोने लैके खत्म हुए इसी घरों। अमरूद मज़ेदार। अच्छा जी चल बर्तन आटा भी चुक के अंदर रख दी सारिया चीज़ा, तो फिलहाल जेडे छापर है ना इन्हें मैं टिकाने लाव, तो उधरों आते बर्तन धोने वाले मैं धोनी हूँ छापर जरा बाद च कर दी। इतने भाई जरा ग्रेंडर वाला काम कर रहा सी वो मैं दिखानी अपने भैन भाइयों इस तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह ये मतलब जी जगह जली जली है ना वो भाई सैट कर रहा वा, देखो इतने साफ कर रहा वा, तो इन्ना शोर से सिर टुकन लग पाया वा, इन्ना ज़्यादा शोर हो रहा सी। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਫਰਿੱਜ ਇੰਨੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰੰਟ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ, ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਰ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਐਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਰਤਾ ਤੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲ ਅਕਲੀ ਸ਼ਿਵਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਬੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਧਰ ਕਲਰ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਉਸਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਖੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੇ 'ਚ ਗਾਠਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਬਿਹਤਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਇੱਧਰ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਹਾਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਕਲਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਵਾਂ, ਕਾਵੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਵਾਂ, ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਂ। ਹੈ ਪੋਨ ਇਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂ, ਬਰਗਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਖਾਊਂਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਟਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਓਇਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਬਸ ਧੋਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹੀ ਧੋਊਂਗੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਆ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਇਹ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਫਰਿੱਜ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਫਰੂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਟੋਕਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਆ ਬਸ, ਸਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਲਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੋ ਮਤਲਬ ਕੜਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਲੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।